नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। मनोज झा के ठाकुर वाले बयान पर बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में होता तो लालू बुलाकर मेरे सामने उसे थप्पड़ मारते। भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा से बीजेपी के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मनोज झा को लेकर गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झा से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आपने जो टिप्पणी की है, आप पंडित जी हैं और आज ये युग में पंडित जी प्रणाम करने वाले केवल राजपूत ही हैं, इसको आप भूल गए हैं। एक बात आप और भूल गए, राजपूत वो भी हैं जो आपका सेकंड नहीं लगेगा और गर्दन उतार कर आपके हाथ में रख देंगे। पुरानी कहानी याद मत दिलवाइए, इसलिए आपने जो कहा उसको वापस लीजिए। छतरियों से माफ़ी मांगिए, अगर नहीं तो भविष्य में छतरियों के आक्रोश को सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। उन्होंने कहा कि मैं अभी आरजेडी में नहीं हूँ, इसी बात का अफसोस हो रहा है। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सबसे पहले ये मनोज झा कौन हैं और ये कितने बड़े विद्वान हैं और कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हम जब भी उनको देखते हैं तो हमको लगता है कि राजनीति में यह व्यक्ति कहीं ना कहीं एक लफुआ की तरह लगता है। ठाकुरों के बारे में जो टिप्पणी की है, ठाकुरों के द्वारा किए गए त्याग के बारे में भगवान राम की स्थिति हो या कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने त्याग तपस्या का अपना उदाहरण पेश किया था। बीजेपी विधायक ने कहा कि मैं अगर आरजेडी में होता तो लालू अभी बुलाकर इसको मेरे सामने थप्पड़ खींचकर मारते, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज जो लोग वहाँ हैं वे ये कह रहे हैं कि यह गलत है। जब यह गलत है तो लालू से बोल करके पनिशमेंट दिलवाना चाहिए। आनंद मोहन के पुत्र मेरे लिए भी पुत्र समान हैं, तो लालू से बोलकर उनकी उसको पार्टी से बाहर करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लालू कभी गलत चीज़ नहीं सिखाते, उनकी राजनीति उनकी जगह पर है। अंत में राघवेंद्र सिंह ने कहा कि यह बात याद रखिएगा मनोज झा, एक बात हम आपको चेता देते हैं, राजपूतों पर जब गर्मी चढ़ जाती है ना तो 80 वर्ष की उम्र में अपना बाह काट कर गंगा जी में फेंक देते हैं, उस खानदान के हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।